वसेविरार महानगर पालिका द्वारा 11वां एडिशन रविवार सुबह उत्साह के साथ शुरू किया गया। 54 लाख रुपए के पुरस्कार पुल के साथ मैराथन में 5 किलोमीटर से लेकर चुनौतीपूर्ण 42 किलोमीटर की फुल मैराथन शामिल है। अलग अलग इलाकों से 14,000 से ज्यादा प्रतिभागी इस सालाना समारोह में शामिल हुए, जिससे इस आयोजन की महत्व राष्ट्रीय स्तर पर दिखी। वसई विरार महानगर पालिका का खेल विभाग और वसई कला खेल विकास बोर्ड के सहयोग से इस साल की मैराथन का सावधानी पूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें तैयारी देखी गई। हाफ मैराथन के लिए नगर पालिका ने गड्ढे भरने, सफेद पट्टी चिन्ह, ट्री पेंटिंग, दिशा सूचक बोर्ड, सुरक्षा के लिए जाल और यातायात चिन्ह जैसे इंतजाम पहले से ही पूरे कर चुके थे। इस आयोजन ने न केवल प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि वसई विरार नगर निगम मैराथन को देश के चल रहे कैलेंडर में एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया। शुरुआती लाइन पर धावकों का जमावड़ा न केवल एक दौड़ बल्कि एथलेटिक्सम और सावधानी पूर्वक कार्यक्रम आयोजन के उत्साह का प्रतीक था। इस दौड़ रहे प्रतियोगिता का उत्साह चरम पर पहुंच गया है। दिव्यांगों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया और दर्शकों को विभिन्न सामाजिक संदेश दिए। 21 किलोमीटर हाफ मैराथन महिला वर्ग में प्राजवक्ता गोडबोले ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि तामसी सी को दूसरा और फूलन पाल को तीसरा स्थान मिला। जबकि 21 किलोमीटर पुरुष वर्ग में MD नूर शाह ने पहला और पुनीत यादव ने दूसरा और अरुण राठौड़ ने तीसरा स्थान हासिल किया। मौके पर कई अभिनेता भी नजर आए, जिसमें CID के दया, अभिनेता महेश मांजेकर, दत्तू मोरे, समीर चौगुले, अरुण कदम, ओंकार राउत सहित कई लोग उपस्थित रहे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में विधायक हितेंद्र ठाकुर, चितिश ठाकुर, राजेश पाटिल, सांसद राजेंद्र गावित, नगर आयुक्त अनिल कुमार पवार, पूर्व महापौर राजीव पाटिल, नारायण मानकर, प्रवीण शेट्टी और विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।